पिछले वीडियो में बेटा हमने 7.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आज हम 7 क्वेश्चन से पढ़ेंगे। प्रूव द फॉलोइंग। 7 है साइन 65 प्लस कोस 25 इज इक्वल टू 2 कोस 25 एलएचएस। क्या है मेरे पास? साइन 65 प्लस कोस 25। आरएचएस क्या है मेरा? 2 कोस 25। यानी कोस 25 तो है, साइन 65 को किसमें चेंज कर दिया हम? कोस के टर्म में चेंज कर दिया। कोस के टर्म में चेंज कर देंगे तो दोनों किसमें हो जाएंगे? 25। क्या आ जाएगा साइन 65 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 20 प्लस कोस 25। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। थीटा किसमें लिखा है बेटा? 25 प्लस कोस 25। 1 cos 25 और 1 cos 25 क्या हो गया बेटा? 2 cos 25 is equal to RHS। लिख लो। लेट sin 35 sin 55 माइनस कोस 35 कोस 55 इज इक्वल टू 0। क्या है एलएचएस? क्या है हमारा? साइन 35 साइन 55 माइनस कोस 35 और कोस 55 एलएचएस क्या है अपना? 0। तो देखो इसमें एक को सेम रखना है, दूसरे को चेंज करना है। तो क्या होगा? इसको इन दोनों साइनों को इसके टर्म में चेंज कर ले, कोस के टर्म में चेंज कर ले, दोनों सेम हो जाएंगे। सेम में सेम सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 0। कैसे? साइन 35 को क्या लिख सकते हैं? साइन 19 माइनस 55 इंटू साइन 55 को क्या लिख सकते हैं? साइन 19 माइनस 35 माइनस कोस 35 और कोस 55 भी। साइन 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा यानी कोस 55। साइन 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा यानी कोस 35 माइनस कोस 35 और कोस 55। दो सेम डिजिट का मल्टीप्लाई है बेटा। ये कोस 55 और कोस 35 है, ये कोस 35 और कोस 55 सेम है। सेम में से सेम सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू आरएचएस। नाइन कोस 70 अपॉन साइन 20 प्लस कोस 59 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 0 एलएचएस। कोस 70 अपॉन साइन 20 प्लस कोस 59 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30। कोस 70 इन दोनों में से एक को चेंज कर दे बेटा तो सेम से सेम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसकी जगह क्या आएगा? 1 आएगा। कोस 70 को क्या लिख सकते हैं बेटा? कोस 19 माइनस 20 अपॉन साइन 20 प्लस कोस 59 को क्या लिख सकते हैं? कोस 19 माइनस 31 अपॉन साइन 31 माइनस 8। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कोस 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा यानी कि साइन 20 अपॉन साइन 20 प्लस कोस 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 31 अपॉन साइन माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। सेम से सेम कैंसिल हो गया। सेम से सेम 4 1 जा 4 4 2
ए, ये क्या हो गया वन प्लस वन माइनस टू, क्या आ गया जीरो इज इक्वल टू आर एच एस। साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। एनएचएस साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया साइन। अब आरएचएस को सॉल्व कर ले बेटा, क्या है टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने एक आइडेंटिटी दिखाई थी आपको वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये है sec स्क्वायर थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 अपॉन cos थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर। देखो बेटा फ्रैक्शन है डिवाइडेड में, डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन क्या हो जाती है चेंज हो जाती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इस कोस थीटा से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपने पास साइन थीटा कोस थीटा। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। नेक्स्ट कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वन। तो बेटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन प्लस कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा साइन डिवाइड में साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब देखो कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने सबसे पहले आपको कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन इज इक्वल टू आर एच एस। टेन 19 माइनस थीटा कोट थीटा
अपॉन कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एनएचएस टेन 19 माइनस थीटा कोट थीटा अपॉन कोसाइन स्क्वायर। अब देखो टेन 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कोट थीटा इंटू कोट थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोट थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी इसको बोलते ज्यादा हो बेटा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में और कहाँ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, एच क्या आ गया बेटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, सेम बेस सेम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट